हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सुमित त्यागी और मैं आज आपको एक्सेल के मैक्रो फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए कैसे वर्क करता है। बेसिकली मैक्रो फंक्शन का यूज हम कहाँ करते हैं, हमारे पास कोई एक्सेल की फाइल है, उसकी फॉर्मेटिंग हमें अपने अकॉर्डिंग चाहिए, उस कंडीशन में हम मैक्रो फंक्शन का यूज करते हैं। आइए देखिए कैसे इसका यूज होता है। ये मेरे पास एक टेबल में, मैं इसमें मैक्रो फंक्शन का यूज करूंगा। व्यू पर जाएंगे, मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो, इस फाइल का हम नाम दे देंगे। बेसिकली हमको इस शीट में करना क्या है, हमको इस शीट में फॉर्मेटिंग करनी है। तो हम इसमें डिस्क्रिप्शन में हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, हम इसमें फॉर्मेटिंग लिख देंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप ओके का ये बटन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद हमें कोई भी गलती नहीं करनी है। देखिए दोस्तों, मैं इसकी आपको सेटिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, लास्ट नेम पहले आया हुआ है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, मुझको मिडिल नेम नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दूंगा। और ये लास्ट नेम कट करूंगा और फर्स्ट नेम के आगे पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास, ईयर, लैंग्वेज। चलो मैं लैंग्वेज का कॉलम भी डिलीट कर देता हूँ। ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, मिनिमम मार्क्स हैं, ऑप्टेन मार्क्स हैं, डिवीज़न, विलेज, टाउन, स्टेट, मुझको ये कुछ नहीं चाहिए, ये मैं सब डिलीट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसको सेलेक्ट करूंगा, सेंटर में करूंगा और इसका बॉर्डर सेट कर दूंगा, ऑल बॉर्डर। इसमें मैं कोई बैकग्राउंड कलर का भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मेटिंग में मुझको ये फाइल चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, व्यू पर जाऊँगा, मैक्रो और स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब ये सेटिंग जो मैंने इसमें की है वो सेव हो चुकी है। अब हम ये फाइल सेव एज करेंगे और ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेव एज टाइप में हमेशा एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक ही, इसका ही सिलेक्शन करेंगे। फाइल का नाम रख देंगे हम इसमें, ओके। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी मैक्रो फॉर्मेटिंग के नाम से फाइल सेव हो गई है। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास ये फाइल है। अब मैंने ये फाइल यहाँ से कॉपी किया, ये सारा डाटा कॉपी किया, कंट्रोल कंट्रोल सी, और वापस मैक्रो फॉर्मेटिंग में गया। मुझको इस शीट में वर्क करना है, ऑप्शन कर देंगे इनेबल, ओके,
और हमको फाइल दोबारा कॉपी करनी पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने फाइल कॉपी पेस्ट कर दी है, ठीक है दोस्तों। अब मुझको क्या चाहिए, मुझको ये डाटा मुझे उसी फॉर्मेटिंग में चाहिए जिसमें मैंने मैक्रो फॉर्मेट का यूज किया था। तो मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट, वापस व्यू पर जाऊँगा, मैक्रो, व्यू मैक्रो, वो मैक्रो मैंने मैक्रो फंक्शन के नाम से सेव किया था, उस पर क्लिक करूँगा और रन। तो ये देखिए दोस्तों, जिस फॉर्मेट में मुझको फाइल चाहिए थी उसी फॉर्मेट में फाइल मुझको मिल गई है। तो इस तरह मैक्रो फंक्शन का यूज होता है, ठीक है दोस्तों। आपने देख लिया है मैक्रो फंक्शन का यूज, बहुत ही यूजफुल फंक्शन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।